कोई बोल ऐसा मां को ना बोलना, मां तो चलो फिर दोस्ती हो जाती है, हाँ बाप के सामने नहीं बोलना, बदनसीब है वो जो बाप के सामने बोलता है। उस्ताद के सामने मत बोलना, उस्ताद के सामने मत बोलना, बाप के दोस्तों के सामने मत बोलना। हमारे ऊपर चार रिश्ते फौरन मुतवज्जे रहते हैं, हम सब पे, हम सब मर्दों पर चार रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। सबसे पहले बाप का, फिर उस्ताद का, फिर ससुर का, फिर बाप के दोस्तों का। ये चार रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं, उतने ही ताकतवर और पावरफुल रिश्ते हैं ये। इन चारों में से किसी एक की दुआ बिल्कुल वही ताकत रखती है जो बाप की ताकत, दुआ ताकत रखती है। बाप के किसी दोस्त ने दुआ दे दी, बेटा आपको देखो मैं क्या, मैंने क्या करना है बाप के दोस्त का, बाप चला गया मैं क्या करना है। लेकिन वो बात, बाप के दोस्त को वो बात याद है कि मैं आया करता था इस घर में, छोटा सा था, इसको गोद में बिठाता था, मेरा दोस्त था, आज मेरा दोस्त चला गया, आज ये मुझे नहीं पूछ रहा। हालांकि इस बात का एहसास मुझे नहीं हो रहा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई अब अब्बा नहीं है तो चलो अब दोस्तों का मैं क्या करूं उनके दोस्तों का। हाँ कैसा अजीब दीन है। लेकिन मेरे अजीज दोस्त तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उस उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो आया ही करते थे इस घर में, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त, तुमसे प्यार करते थे, मिलते थे, उन्हें टॉफीज देते थे, कुछ करते थे, ठीक है। आज वो इस बात की तमन्ना कर रहे हैं कि जितनी इज्जत इसका बाप मेरा दोस्त किया करता था, काश इसका बेटा भी मेरी इतनी इज्जत करे, इस घर में मुझे उतना ही वेलकम करे। इसलिए अल्लाह ने ये चार रिश्ते हमारे साथ मौत तक के लिए जुड़े हैं। हाँ। तो ये कतरें जिंदा हैं अभी इस मुल्क में, इसलिए यहां अनएम्प्लॉयमेंट के नारे नहीं लगते, ये कतरें जिंदा हैं, ये बाहर नहीं देखने को मिलती। आप यकीन करो जिस वहां भागने की आप तमन्ना करते हो, वहां आदमी आपके मुंह के सामने बैठकर खाएगा और आपसे नहीं पूछेगा। कैसी अजीब बात है, यकीन आ रहा है आपको इस बात का कि आप बैठकर खाएं, आपके सामने एक दोस्त बैठा है, साथी बैठा है, और आप उसको ऑफर भी ना करें। वहां तो ये कदरें मर चुकी हैं, वो सोसाइटी दूसरी बुनियादों पर जिंदा है, वो बुनियादें दूसरी हैं उनकी, वो इज्तमाई बुनियादें हैं जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम को खिलाफत अता फरमाते हैं। उन्होंने उन बुनियादों को जिंदा रखा है, उन्होंने अदल को जिंदा रखा है, वहां अदल होता है इस वजह से, और अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है, अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है, अदल होता है उस मुआशरे में, बदमामलगी नहीं होती, वहां ताजर दूसरे ताजर को धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देते। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए, ये बात उनके यहां काबिले कबूल नहीं है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जब आप वहां कुछ खरीदने जाएंगे तो ऊपर यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा रिफंड, अगर आपको चीज पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, आप आकर वापस कर दें, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। वो इस बात को पसंद करने, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, उनका माशरा इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मेरी तिजारत से किसी का नुकसान हो, मेरी तिजारत से लोगों को नफा मिलना चाहिए, मेरी तिजारत से लोगों को नफा मिलना चाहिए। इसलिए वहां पर वो सेलें लगाते हैं, कोई बात नहीं आप भाई अभी नहीं खरीद सके, घबराओ नहीं, दो महीने के बाद इसकी हम आधी से भी कम कर देंगे कीमत, तब आ जाना। ये उनकी सोच है। मुझे याद है मैं और मेरा साथी जब हम कारोबार करने लगे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास गए, हजरत हम कारोबार करना चाहते हैं, और आपने फरमाया तीन काम कर लो। नंबर एक, जो भी कारोबार करना है, जैसे भी करना है, इसको लिख लो, लिख लो कि किन किन चीजों के करने पे, कौन कौन सी बुनियादों पे ये कारोबार खत्म होगा, ये पहले लिखो, नंबर एक। नंबर दो, इस बात का आजम करो कि एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, इस बात का आजम करो। नंबर तीन, इस बात की नियत करो कि इस कारोबार से हमने मुसलमानों को नफा पहुंचाना है। ये कहां से लाऊं मैं, ये बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। अच्छा, अगर सुनी भी तो मुझे ये पता ही नहीं कि मैंने ये कारोबार कैसे करना है कि मैं भाई को नफा दूं इससे, मैं तो कर ही इसलिए रहा हूं कि इनका माल अपनी जेब में डालूं, मैं तो ये काम कर ही इसलिए रहा हूं। तो फरमाया ये तीन काम अगर तुमने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। मुझे आज भी मुफ्ती साहब की ये बात याद है, तुम्हारा तीसरा पार्टनर
अल्लाह हो जाएगा। इन तीनों चीजों में से किसी एक को भी छोड़ा, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा तीसरा पार्टनर छोड़ेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह कारोबार कर रहे हो ना तो इतने मजे से कारोबार होता है कि बता नहीं सकता। और अगर खुद बैठना पड़ जाए तो यकीन करो छठी का दूध याद आ जाता है। अल्लाह कर रहे हो तो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत किस बुनियाद पर पार्टनर बनते हैं? अगर वो कारोबार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से हो रहा है तो अल्लाह पार्टनर बन जाते हैं, खुद चलाते हैं। क्या क्या कुछ बताऊं मैं आपको, क्या क्या कुछ बताऊं। एक दफा क्या हुआ, हम दोनों ने, हम लोग नया नया काम शुरू किया, कपड़े का काम ना मुझे आता ना उनको आता, ठीक है। अब दोनों हम पैटर्न काट रहे, पैटर्न जो काटा कपड़ों का, सलवार कमीज का पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया। अब सर पकड़ के बैठ गया, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, जितने पैसे थे वो मैंने लगा दिए, ठीक है। हम तो वैसे बड़ी मुश्किल में थे, गाना वाना तो था नहीं जिंदगी में, सर पकड़ के बैठा हुआ, या अल्लाह अब ये किस तरह गाड़ी चलेगी, ये क्या हो गया, क्या हो गया। मौलवी अब्दुल मजीद साहब सामने बैठे हुए, बांग्लादेश से ताल्लुक है इनका, तो हमारे पास एक साथी आए एक पार्टी को जो कि बांग्लादेश से थी, हमारे बंगाली साथी थे कुछ। उन्होंने कहा जी कि आप लोग कपड़े का काम करते हैं? हमने कहा जी बस करते हैं, करने से पहले ही पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, तो उन्होंने कहा भाई सुनो भाई, हमको बांग्लादेश के लिए कुछ शलवार कमीज चाहिए लेकिन पैटर्न थोड़ा छोटा चाहिए, मिल जाएगा? हमने कहा जी छोटा पैटर्न काटने में तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। उन्होंने कहा हाँ जी पैसों की परवाह ना करें। तो वो छोटा पैटर्न काट के सीकर हमने वो सारा का सारा उनको दे दिया। अल्लाह ने जहां पर पाकिस्तान में जो अभी बेचता मैं वो 1000 कुर्ते प्रॉफिट के साथ बिक बिका के हम दोनों पूरी रमजान मक्खियां मारते रहे, कुछ करने को ही नहीं था। तो जब अल्लाह पार्टनर बनते हैं तो फिर वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक्हु मिन हैसु ला यहतसिब हो जाता है। हाँ, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ہو جاتا ہے پھر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ہاں اور اللہ رب میرے سے جو ڈرے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا جو میرے سے ڈرے گا اس کو اللہ کی طرف سے اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے سے ڈرے گا چار انعامات دوں گا اس کو چار انعامات دوں گا سب سے پہلا یہ मुश्किल हर मुश्किल से निकाल लूंगा उसको जो मुझसे डरेगा। या अल्लाह, ए अल्लाह आसान भी आसान नहीं अगर आप उसको आसान ना करें, ए अल्लाह आसान भी आसान नहीं अगर आप उसको आसान ना करें। अल्लाह फरमा रहे हर मुश्किल से निकालूंगा, यजअल्लाहु मखरजा व यरज़ुक्हु मिन हैसु ला यहतसिब। यहां आके फंस जाता है आदमी, इधर आकर आदमी फंस जाता है। रिज्क वहां से दूंगा जहां से तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब क्या बोलूं मैं इसके बारे में, अल्लाह कह रहे तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं नहीं अल्लाह ऐसा कर, म्यूजिक मैं बाद में छोड़ूंगा, पहले तू ऐसा कर मेरे सारे सिस्टम ठीक कर इधर। या अल्लाह पहले बच्चा दे दे, शादी बाद में करूंगा। या अल्लाह पहले पेट भर दे, खाना बाद में खाऊंगा। पहले प्याज बुझा दे, पानी बाद में पीऊंगा। मैं अल्लाह को यह कहता हूं